ये लो, थोड़ा सा खा लो, ये लो खाओ, खाओ ना। वेलकम नितिन, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? थप्पड़ क्यों मारा मेरे? और सारा खाना भी गिरा दिया, क्या हो गया तुम्हें? मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तुमने इस खाने के अंदर जहर मिला रखा है। नितिन ये क्या बोल रहे हो? मैं क्यों मिलाऊंगी तुम्हारे भाई के खाने में जहर? और मैं तो जैसे हमेशा अभी को खाना खिलाती हूँ वैसे ही खिला रही थी आज भी। देखो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी सच्चाई मेरे आगे आ गई है। तुमने इस खाने के अंदर जहर मिलाया है, तुम अभिषेक को मारना चाहती हो, तुमने ऐसा क्यों किया? नितिन तुम पागल हो गए हो, ये क्या बोल रहे हो? और मैं क्यों मिलाऊंगी तुम्हारे भाई के खाने में जहर? एक बात बताओ, मुझे क्या मिलेगा उसके खाने में जहर मिलाने से? और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने इसके खाने में जहर मिलाया है? क्या प्रूफ है? शायद तुम्हें पता नहीं है किचन के अंदर सीक्रेट कैमरा लगे हुए हैं, और वो कैमरा मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है। जब तुम किचन के अंदर इस खाने के अंदर जहर मिला रहे थे ना, वो फुटेज मैंने देख ली थी। जब मैंने तुम्हारी फुटेज देखी ना, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा काम कर सकती हो। वो तो अच्छा है, सही टाइम पर मैं आ गया और मैंने अभिषेक को बचा लिया, वरना तुम तो उसको जहर वाला खाना खिला के मार ही देते। पर तुमने ऐसा काम क्यों किया? हाँ हाँ मैंने किया ये सब कुछ, मैंने मिलाया इसके खाने में जहर। और वैसे भी मैंने ये तो हम दोनों की भलाई के लिए किया है, मेरी भलाई तुम्हारी भलाई। अगर मैं हम दोनों के बारे में नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? और तुम ही बताओ ना, तुम्हारे पापा ने जाते जाते सारी जायदाद इस पागल के नाम कर दी है, भला ये क्या करेगा उस जायदाद का? और तुम देखो ना इसको कैसा सा है, तुम इतने अच्छे खासे हो, तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं करके गए वो। अगर मैं हम दोनों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचूंगी तो किसके बारे में सोचूंगी? और मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया, मैं बस चाहती थी कि ये मर जाए और हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। वैसे भी ये इतना पागल सा तो दिखता है विकलांग किंग का। तुम होती कौन हो मेरे भाई को मारने वाली और मेरे पिताजी के डिसीजन को जज करने वाली? मेरे पिताजी ने जो काम किया वो बिल्कुल सोच समझ कर करा। अगर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती तो मेरे छोटे भाई का ख्याल कौन रखता? क्योंकि सारा टाइम मैं तो ऑफिस के अंदर होता हूँ, इसका ख्याल रखने वाला घर पे कौन है? सिर्फ तुम हो। अगर इसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती ना तो तुम इसका ख्याल बिल्कुल भी रखते। जो इसकी तुमने आज हालत कर रखी ना, तुम इससे कहीं ज्यादा इसकी बदतर हालत कर देते। मुझे तो शर्म आती है तुमको अपनी बीवी बोलते हुए भी, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मेरा छोटा भाई ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तुमने उसके बाद भी इसको इतना ज्यादा टॉर्चर करा, मुझे शर्म आ रही है। तुम निकल जाओ मेरे घर से। नितिन ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने जो किया हम दोनों की भलाई के लिए किया, तो तुम मुझे कैसे घर से निकाल सकते हो? मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो इससे पहले मैं पुलिस को फोन करूं, चुपचाप से सराफत से मेरे घर से निकल जाओ, निकलो मेरे घर से।